वफा अलवफा में अल्लामा जोजी रहमतुल्लाह इधर नकल करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा ये बताओ कि इस बर्तन में तुमने कहाँ से मुंह लगा के पानी पिया है, मैं भी वहीं से मुंह लगा के पानी पीऊंगा। सुभान अल्लाह, कैसा दिल जोई का अंदाज है, और मियाँ बीवी में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ में कैसा लव होना चाहिए, अल्लाह अकबर, इसकी कैसी प्यारी मेरे आका अलैहि सलाम ने एग्जांपल दे दी, और दिल जोई का कैसा प्यारा अंदाज है। आज जनाब सारी मोहब्बतें सारी मुस्कुराहटें दुनिया के लिए होती हैं, लेकिन जब घर पर आते हैं तो बिल्कुल अफसरदा अफसरदा, और ऐसा जनाब वाला लगता है कि जैसे अभी ये मैयत दफना कर आया है, और चीखना चिल्लाना कर देते हैं। तो याद रखिए, इससे बरकत खत्म हो जाती है, घर से रहमत उठ जाती है। घर पर जब आए तो मुस्कुराते आए और सलाम करें, और जनाब और मोहब्बत बढ़ाने के लिए बुजुर्गों ने लिखा कि जब घर वालों के साथ बैठ के आदमी खाना खाता है तो घर वालों में मोहब्बत पैदा होती है, और मियां बीवी अगर एक ही बर्तन में खाएं एक ही प्लेट में खाएं तो अल्लाह ताला इनमें बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा कर देता है। नेकी की दावत आम करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए।